बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। शहनाज गिल ने अपनी सारी चीजें फिक्स करके रखी है और अब तो उन्होंने बता दिया है कि बिग बॉस से जाने के बाद उनके प्लान्स क्या होंगे। दरअसल आसिम रियाज और रश्मि देसाई उनसे पूछते हुए नजर आती हैं कि आखिर तेरे प्लान्स क्या होंगे बिग बॉस के बाद। शहनाज कहती है कि अभी मुझे यहाँ पे 1.5 महीना और बताना है। आसिम कहते हैं कि नहीं बेटा सिर्फ 1 महीना। शहनाज कहती है कि जाना तो सबको है तो मुझे भी जाना ही होगा। अगर मैं चली भी जाऊंगी ना तो यहाँ से जाने के बाद मुझे वापस आने को लेकर प्रिपरेशन करनी होगी। जब फिनाले होगा तो सब लोग आएंगे ही तो मैं भी आऊंगी। इसके बाद रश्मि पूछती हुई नजर आती हैं कि तू अब ये बता कि वहाँ से जाने के बाद तेरा फिर बाद में प्लान क्या होगा आफ्टर बिग बॉस। इस पर शहनाज कहती हुई नजर आती है कि पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी हुई, कितनी फेमस हुई। एयरपोर्ट पे जाऊंगी क्योंकि फिर लोग पूछेंगे ना कि शहनाज। नहीं, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को अपने पास बुलाऊंगी, उनसे मिलना है, अपना फोन चेक करना है और फिर ना मुझे एक नया बढ़िया सा बड़ा सा फ्लैट खरीदना है और फिर उसमें सेट हो जाना है। इस पर आसिम पूछते हुए नजर आते हैं कि मुंबई में। शहनाज कहती हैं कि हाँ काम मिला तो जरूर, बट बाकी तो मुझे अपना मोहाली में ही रहना है। इस पर रश्मि कहती हुई नजर आती है कि बेटा तुझे धड़ाधड़ काम मिलने वाला है, तू टेंशन ना ले। इस पर शहनाज को कोई बुला लेता है और वो वहाँ से निकल जाती हैं। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।